जी खबर शामिल करते हैं अहमद पुरशर क्या से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान हुकूमत का ऐलान होते ही सियासी परिंदे अपने हलके में आवाम से दुख दर्द बांटने और दोबारा कैंपान चलाने के लिए मुतरक हो जाएंगे, मगर जिस सियासतदानों ने अपने हलके में आवाम को महरूमियों के सिवा कुछ ना दिया किसी मुँह से जाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अहमद पुरशर के कनवाई इलाका मौजा घनिया बस्ती अरई के रिहायशी हाफिज़ अब्दुर्रहमान गुलाम नबी सिराज अहमद मोहम्मद अजमल आशिक हुसैन हाफिज़ यूसुफ अब्दुर्रशीद मोहम्मद फारूक मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद हनीफ यकूब खान ने एहतजाज करते हुए कहा कि हुकूमत का 5 साल होने को है जब से सियासतदान वोट लेकर गए हैं, इसके बाद इन्होंने अपने हल्के की आवाम के पास मुँह तक न किया। सियासतदानों ने आवाम को महरूमियों के सिवा कुछ न दिया और ये किसी मुँह से सियासत परिंदे अपने हलके में वोट लेने आएंगे। अब आवाम के हर दुख दर्द में इलाके में जाएंगे, मगर अब ऐसा चलेगा कि हमें आज तक किसी MPA या MNA ने कोई सड़क तक न दी और ना ही हमारे इलाके में मीठे पानी की सहूलियत मौजूद है। हम करोड़ों पानी पीने पर मजबूर हैं और हमारे घर से गुजरने के सड़क तक भी ना है और हम नहर की पुल से डरते हुए गुजरते हैं कि किसी वक्त कोई हादसा रोनमा हो जाए। इन सियासी परंदों से हमारी गुजारिश है कि हमारे इलाके में वोट लेने की ज़हमत न करें, हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। इन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से बस्ती अरई में सड़क और रास्ते के लिए पुल बनाने का मुतालबा किया।